सो हे गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया ही होगे। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, 2019 के मिड तक मेरे फोरहेड पर इतना बड़ा पैच था बेबी हेयर्स का एंड मैंने इन्हें ग्रो करा। तो आज की वीडियो के स्टार्टिंग के 3 पॉइंट में मैं आपको यही बताऊंगा कि आप इन्हें सिर्फ ग्रो नहीं, बहुत स्पीड से कैसे ग्रो करें, क्योंकि ग्रो तो ये वैसे भी हो जाएंगे, बट इनकी स्पीड को और भी ज़्यादा बूस्ट कैसे करें वही स्टार्टिंग के 3 पॉइंट में मैं आपको बताऊंगा। एंड 4th पॉइंट में मैं आपको इन्हें इन दिनों मेंटेन कैसे करना है, क्योंकि ये बहुत गंदे लगते हैं जब ये धीरे धीरे ग्रो हो रहे होते हैं, तो उस टाइम पर बहुत गंदे हमारा हेयर स्टाइल हो जाता है। तो इन्हें मेंटेन करके कैसे रखना है वो भी आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला पॉइंट इसमें आता है हमारा हेयर मसाज का। हेयर मसाज आपको करनी है हेयर ऑयल से। यहां पर सिर्फ ऑयलिंग काम नहीं आएगी, आपको अच्छे से अपने हेयर को, स्कैल्प को अपने अच्छे से मसाज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वहां पर जब ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा तो हमारी स्पीड और भी ज्यादा हेयर ग्रोथ की बूस्ट होती है। तो इसीलिए आपको क्या करना है, आपको वहां पर अपने फोरहेड एरिया पर अच्छे से ऑयल से मसाज करनी है। अब आप कोई सा भी ऑयल यूज कर सकते हो, बट और भी ज्यादा स्पीड किससे बूस्ट हो सकती है वो है आर्गन ऑयल, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चाहें तो परचेज कर सकते हैं। बात जब हेयर ग्रोथ की चली रही है तो आपको कुछ मैं योगा भी सजेस्ट कर देता हूँ। 2 योगा है जिसमें से मैंने एक करा है, एक नहीं करा। मैं ये चीज़ आपको पहले बता देता हूँ। सबसे पहला आता है हमारा बालायाम। ये मैंने कभी ट्राई नहीं करा, बट इसके बारे में काफी ज्यादा रिसर्च करने के बाद ही मैं ये आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। इससे क्या होता है, हमारे हेयर काले भी होते हैं, हेयर फॉल वगैरह की प्रॉब्लम वो भी रुकती है एंड हेयर ग्रोथ और भी ज्यादा बूस्ट होती है। एंड सेकंड योगा जो हमारा इसमें होने वाला है वो होने वाला है हेड स्टैंड। हेड स्टैंड आपको सिंपली नीचे कपड़ा रख लेना, उसके बाद हेड स्टैंड कर लेना, ये मैंने करा है। इससे क्या होता है, हमारे स्कैल्प पर ब्लड सर्कुलेशन काफी ज्यादा अच्छा बन जाता है, ब्लड फ्लो वहाँ का बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता है, जिससे हेयर ग्रोथ और भी ज्यादा बूस्ट होती है। तो ये आप ट्राई कर सकते हैं, आप मॉर्निंग में से कर सकते हैं, 10 से 15 मिनट करना इनफ है, बहुत अच्छी आपकी हेयर ग्रोथ हो जाएगी। हम बात कर लेते हैं 3rd पॉइंट की, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड बहुत ज्यादा यूजफुल भी है। वो क्या है, आपको यूज करना है अनियन जूस। अनियन जूस आपको कैसे निकालना है, आपको सिंपली एक अनियन लेना है, मिक्सर में ग्राइंड करना उसे। उसके बाद आपको क्या करना है, कोई भी यानी कि जैसे चुन्नी होती है लेडीज की, उस टाइप का कोई कपड़ा लेना, कपड़े का नाम मुझे नहीं पता, उस टाइप का कोई कपड़ा लेना एंड उस पर उसे बांध के निचोड़ लेना। जितना भी रस निकले उसका, जितना भी यानी कि वो जूस निकलेगा, उसे आपको अपने फोरहेड एरिया पर लगाना है एंड स्पीड बहुत ज्यादा हो जाएगी। बहुत स्पीड में आपके फोरहेड पर बेबी हेयर्स जो होंगे वो बहुत स्पीड में ग्रो होंगे, ये आप ट्राई कर सकते हैं। कमिंग टू द 4th एंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इन्हें मेंटेन कैसे रखना है। इन दिनों मैंने कैसे मेंटेन रखा था, मैं क्या करता था, जब मैं अपने हेयर्स को स्टाइल करता था तो मैं इन्हें भी उसी के साथ स्टाइल करता था। मैं हेयर ड्रायर का यूज कर सकता था, ये आप कर सकते हो। एंड सेकंड आप क्या कर सकते हो, अपने हेयर्स को शॉर्ट कर सकते हो, जिससे कि ज्यादा डिफरेंस इनमें नहीं पता चलेगा। 3rd आप क्या कर सकते हो, आप कोई कैप पहन सकते हो। इन दिनों यानी कि जब आप बाहर जाओ तो आप कैप पहन सकते हो। एंड 4th आप क्या कर सकते हो, कोई भी आप फ्रंट साइड का हेयर स्टाइल रख सकते हो जिसमें कि आपके हेयर्स नीचे हो। तो ये सभी चीजें आप ट्राई कर सकते हो, जिससे कि आपके हेयर्स बुरे नहीं लगेंगे, एटलीस्ट जब तक आप इन्हें ग्रो कर रहे हो देखने में। सो गाइस, बस इतना ही था आज की वीडियो में। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, नए चैनल पर तो सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।